दुर्ग के डॉक्टर WW पाटणकर गर्ल्स PG महाविद्यालय में 3 दिवसीय माटी शिल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन करीब 250 छात्राओं ने मिट्टी से गणेश की प्रतिमा बनाई, साथ ही विभिन्न रंगों से श्रृंगार भी किया। इको फ्रेंडली गणेश के उद्देश्य को लेकर दुर्ग के डॉक्टर WW पाटणकर गर्ल्स PG महाविद्यालय के ड्रॉइंग एवं पेंटिंग और मूर्तिकला विभाग द्वारा 3 दिवसीय माटी शिल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में करीब 250 छात्राओं ने प्रतिभा का जौहर दिखाया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष इस कन्या महाविद्यालय में ऐसे आयोजन कराए जाते रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेकर छात्राओं को कुछ नया सीखने को मिलता है। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि लगातार 25 वर्षों से कॉलेज में विभिन्न अवसर पर पेंटिंग और मूर्तिकला विभाग द्वारा छात्राओं को हर बारीकी और अहम पहलू पर जानकारियां दी जाती है, जिससे आगे चलकर छात्राएं अपना भविष्य उज्जवल कर सके। 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर छात्राओं ने रंग बिरंगे कलर से गणेश की प्रतिमा को सजाने और संवारने का काम किया। साथ ही एक छात्रा द्वारा तो हाल ही में कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता की हुई निर्मम हत्या पर प्रकाशित करते हुए पूरा गणेश पंडाल सजाकर दर्शाया गया। कि जैसे कि हम लोग पहली बार ट्राई किए कि ये फर्स्ट टाइम था हम लोग का, हम लोग इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। अब हम लोग ना तो हम लोग यूट्यूब से सहारा लिए, ना ही किसी चीज़ से, ऐसा वीडियो भी नहीं देखे हम लोग। हम लोग मात्र मतलब मंदिर जाते हैं रोज, शिव जी को देखते हैं। मैं शिव जी बनाई, हम लोग तो शिव जी को देख रहे हैं। सभी ने ऐसा सोचा कि सब ने शिव मतलब कि वो बनाया है गणेश जी। हमने सोचा थोड़ा और अतरंग बनाते हैं हम लोग, उनके बड़े, उनके पिताजी। तो हम लोग ने सोचा हम लोग शिवलिंग बनाते हैं करके। सर से जा पूछे कि इसको बनाते हैं क्या सर, ऐसा करके सर बोलते हैं ठीक है आप लोग जिसको जो इच्छा बना लो ऐसा करके। तो हम लोग ठीक है सर शिव जी बना। हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग से जल्दी बनेगा करके, हम लोग ने जल्दी बनाया इसको, बट सबसे लास्ट में हम लोग का ही बना है। सोच रहे थे जल्दी बनेगा, जल्दी इसको प्रेजेंट करेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग का ही बना है। क्या लगता है? तो बेहद था सर। क्या लगता है इस बार इसे बेहतर बनाएंगे? अब दोबारा रहेगा ना, इसे बेहतर बनाएंगे हम लोग। तो तरह तरह के टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ना देखते जाएंगे कि इसे ये तरह से बना सकते हैं, ऐसा करके तरह तरह की पेंटिंग्स कलाकारी ऐसा करके ना हम लोग बना सकते हैं। वर्कशॉप हम लोग का 3 दिन का था। पहले हम लोग को मूर्ति बनाना सिखाया गया कि कैसे मूर्ति बनाते हैं। तो उसमें हम लोग सब ने पहली बार मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में मतलब हम लोग को मतलब एक्सरसाइज, जैसे सर ने बताया एक्सरसाइज भी होती है उंगलियों की, वो सब भी बताया गया। और हमने उसमें से सब ने फर्स्ट बार मूर्ति बनाई थी। और सेकेंड डे में उसको हम लोग ने पेंट करना सीखा, कैसे पेंट करते हैं और पूरा उसको कैसे डेकोरेट करना है वो सब सिखाया गया था। और थर्ड डे में उसको प्रेजेंट करना था। और फिर उसके बाद इस मूर्ति को हम लोग सब अपने घर लेके जाएंगे और घर ले जाने के बाद उसकी मतलब पूजा वगैरह होगी, 10 दिन बैठाएंगे, उसके बाद गमले में विसर्जित करेंगे और मतलब पानी में गमले में विसर्जित करेंगे, फिर उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसे मतलब सर लोग ने हम लोग को बताया। WW पाटणकर गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे 3 दिवसीय माटी शिल्प कार्यशाला कराई जाती है, हर साल होता है ये। तो इसमें लगभग 250 से 300 बच्चे अक्सर लगभग पार्टिसिपेट करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इको फ्रेंडली गणेश बनाना, मतलब माटी से ये बनाना सीखेंगे, गणेश बनाएंगे और उसी मिट्टी को अपने मिट्टी से बनाए हुए गणेश को अपने घर में स्थापित करेंगे और उसे बाल्टी में एक जगह एकत्रित करके विसर्जन करेंगे। इससे हमारा उद्देश्य ये है कि तालाब गंदे नहीं होंगे, पर्यावरण का संरक्षण इसका मेन उद्देश्य है। मैं योगेंद्र त्रिपाठी चित्रकार हूं और यहां प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक चित्रकला का। तो मैं जब ज्वाइन किया 25 साल पहले तो यहां पर बच्चों को देखा, एक विषय में चित्रकला प्रारंभ हुआ। तो चूंकि मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से था जहां पे फुल फ्लेश चित्रकार पैदा होते थे, तो यहां पर देखा एक विषय में हमको चित्रकला पढ़ाना है, तो ये समझ में आए कि इनको कैसा एटमॉस्फियर क्रिएट किया जाए। क्योंकि कोई भी संस्था में एटमॉस्फियर क्रिएट होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक इसमें सीखने लगेंगे। तो चित्रकला के साथ फिर बच्चों का जुड़ाव मैं देखा यहाँ पर, तो माटी शिल्प की कार्यशाला 2016 से प्राचार्य महोदय तिवारी सर थे, उन्होंने प्रारंभ करवाया। तो इससे लगातार हर साल 200-250 बच्चे लगातार मिट्टी से जुड़ के
तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि मूर्ति जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब जो अवॉइड करते हुए बच्चों को हम खुद सिखाएं, तो इसमें राजेंद्र सुंगरिया जी और तृप्ति जो हमारी स्कल्पचर डिपार्टमेंट यहाँ खुल गया, इनके निर्देशन में यहाँ पर ये चल रहा है। इसमें 250 बच्चे लगभग पहली बार, और बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता है, एक बार उनको मिट्टी पकड़ा दें तो फिर हम ये भी उनको बताते हैं कि आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो एक तो एक्यूप्रेशर होता है, आपका उंगलियां काम करती हैं, उसके बाद आप मूर्ति बनाते हैं, कुछ आकार देते हैं तो इससे आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, फिर रंग लगाते हैं तो आप चित्रकला भी सीखते हैं, उसके बाद आप घर में ले जाएंगे तो बिठाएंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर आप साज सज्जा करेंगे, लाइटिंग करेंगे, कुछ कुछ सजाएंगे, तो इससे एक आप डेकोरेशन का इनको ज्ञान मिलता है। फिर उसके बाद पाक कला, आप भोग लगाएंगे तो खुद बनाएंगे व्यंजन, और फिर संगीत भजन, तो इससे एक कला का इनका जुड़ाव होगा, समग्र विकास होगा। 25 साल मैं ये अनुभव किया और मेरी कला निरंतर जारी रही, और बच्चों के साथ यहाँ पर सीखने को मिला और सिखाने को मिला। उसके बाद मैं कला अकादमी का अध्यक्ष बना पहली बार 2022 में, जब छत्तीसगढ़ शासन ने संस्कृति परिषद का गठन किया, तो यहाँ के आयोजन को देखते हुए ही उन्होंने कहा कि आप स्टेट का आयोजन कीजिए। फिर स्टेट से जुड़े जो थिएटर है और स्कल्पचर, ये सब के मैं 17 प्रोग्राम किया 2 साल में, तो मेरे को ये अनुभव हुआ कि अब स्टेट में जो युवा प्रतिभा है उनको मैं कैसे प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर 25 साल रह के फिर मैं सोचा कि पूरे स्टेट के युवाओं को जोड़ के, और अपने लेवल पे लगभग 3-4 ग्रुप प्रदर्शनी तो मैं कर चुका हूँ दिल्ली में, तो ऐसे एक प्रक्रिया है कि हम अपने विषय से जुड़ के अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तभी खुद का भी विकास हो। आपका परिचय? मैं योगेंद्र त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक चित्रकला और चित्रकार हूँ, अकादमी पुरस्कार 2002 में ललित कला से मिला, और निरंतर सेवारत हूँ, और देश विदेश में छत्तीसगढ़ की कला, यहाँ का एब्स्ट्रैक्ट फ्रांस, पेरिस, लंदन, कोरिया, हर जगह शो भी कर चुकी हूँ। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं और शिक्षकों ने अपनी जानकारी मीडिया को दी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।